जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं निकलती, वो निकम्मे वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों की दलाली करते हैं। जिस उत्तर प्रदेश को चोर डकैतों की नगरी कहा जाता था, जहां पर उठाई गिरे रहते थे, बहन जी ने उसे चमन बना दिया। बीजेपी की बी टीम वो दूसरे लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि बहन जी किसी गठबंधन में मिल जाए, क्यों मिल जाए। बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज का मान सम्मान स्वाभिमान है भाई। हमने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था ना इस देश के अंदर। भाई माननीय कांचीराम साहब ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था ना इस उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के सबसे बड़े सूबे में। माननीय कांचीराम साहब की विचारधारा की उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़कर इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। सर क्या करें, 2024 अभी आने वाला है और उसमें देश के जो तमाम बहुजन लोग हैं वो बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। देखिए एक बड़ा वर्ग है बहुजन समाज का जो लगातार ये कह रहा है कि बहन जी सड़कों पे नहीं है, क्या कहेंगे इसको? देखिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनका डाकिया हूँ। जो मेरे महापुरुषों ने कहा मैं वही बात आगे पहुँचाता हूँ, मैं अपनी बात कुछ भी नहीं कहता। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि पहले इस देश के अंदर कांग्रेस खत्म होगी, हो गई। उसके बाद बीजेपी खत्म होगी, वो भी हो गई। आज देश में किसकी सरकार है? बीजेपी की है? नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। बीजेपी खत्म हो गई, अब तो बहुजनों का ही राज आना है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं निकलती, वो निकम्मे वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों की दलाली करते हैं। वो ये बताएंगे कि हमारी बहन बेटी रोड पर निकले, ऐसा कि हम खाल खींच लेंगे। हमारी बहन बेटियों को रोड पर निकलने की जरूरत नहीं है, उनके भाई जिंदा है ना। और 2024 में आने वाला समय है, ये देश नहीं पूरा विश्व की नजर है कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आना चाहिए जो भारत को वापस उसी जगह पर ले जाए जो भारत की ओर पूरा विश्व सम्मान की नजर से देखता था जब भारत विश्व गुरु था। बहुत सारे लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने विश्वास जगाया तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने चार चार बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, आज भी लोग बहन जी के बाद उस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की ओर सोचते हैं। लेकिन बहन जी ने जो चमन बना दिया था, जिस उत्तर प्रदेश को चोर डकैतों की नगरी कहा जाता था, जहां पर उठाई गिरे रहते थे, बहन जी ने उसे चमन बना दिया। और उत्तर प्रदेश को कभी भी न तो कभी घाटे में बजट गया, न परेशान होना पड़ा। आज पूरे विश्व के लोग उत्तर प्रदेश घूमने के लिए आते हैं। बहन जी ने जो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास था, जो कुछ लोगों ने इस देश के अंदर दफन कर दिया था, बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर जिंदा कर दिया। लोग कहते हैं पार्क बना दिया, पार्क नहीं बना दिया, नक्शा उठाकर देख लेना, वो 2500 साल पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास था वही बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर खड़ा कर दिया। बार बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो अकेले लड़ पाएंगे तो सामने पार्टी कितनी मजबूत है? माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, मैं फिर वही कहा ना, मैं महापुरुषों का डाकिया हूँ कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। सम्राट अशोक भी अकेला ही था इस देश के अंदर, तथागत गौतम बुद्ध भी अकेले ही थे इस देश के अंदर, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अकेले ही थे। माननीय कांशीराम साहब से सीख कर बहन कुमारी मायावती नहीं महापुरुषों की बेटी है, जो किसी भी बात के साथ अपने इस बहुजन समाज के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती। वो उस विचारधारा के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती जो इस देश के लोगों को अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हर उस विचारधारा के साथ खड़ी है जो इस देश के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान देना चाहते हैं, उन लोगों का स्वागत है। अगर ऐसे लोग नहीं है तो बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती है और हम लोग उनका समर्थन करते हैं। बीजेपी खत्म हो गई, मैंने अभी बताया आप लोगों को, बीजेपी की बी टीम वो दूसरे लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि बहन जी किसी गठबंधन में मिल जाए, क्यों मिल जाए।
बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज का मान सम्मान स्वाभिमान है। क्या इस देश के लोग ये चाहते हैं कि बहन जी दूसरों के पास उनके हक अधिकार मांगने के लिए जाएं? नहीं, बहन जी ने लोगों के मान सम्मान को बढ़ाया है। तो जिसको जरूरत होगी इस विचारधारा में साथ चलने के लिए वो बहन जी के पास आएगा, बहन जी किसी के पास नहीं जाएंगे। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो फायदा किसे होगा? बहन जी या बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती हैं, अब हमने जो उपचुनाव हुए थे चुनाव नहीं लड़ा, किसे फायदा हुआ? जिन सीटों पर हमने उपचुनाव नहीं लड़ा किसको फायदा हुआ? लोगों का कितना भला हो गया? कुछ भला हुआ क्या? हमने जिला पंचायत वगैरह में चुनाव नहीं लड़े थे, किसी का भला हो गया? किसके पक्ष में चला गया? नहीं, जिन्होंने शोषण करना है वो शोषण करेंगे। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये गैर बराबरी की लड़ाई है, ये इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने की लड़ाई है। ये उस विचारधारा से समझौता नहीं हो सकता, ये राजसत्ता की लड़ाई नहीं है। हम लोग जो दृष्टिकोण रखते हैं या हम लोग जो सोचते हैं या इस देश के लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं किसी प्रकार से शासन में भागीदारी मिल जाए। शासन प्रशासन में भागीदारी, अपने मान सम्मान को गिरवी रख के नहीं लेनी। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई। क्या लगता है कि अकेले लड़के चुनाव प्रधानमंत्री बनना आसान है? हाँ, क्यों नहीं भाई, हमने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था ना इस देश के अंदर। भाई माननीय कांचीराम साहब ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था ना इस उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के सबसे बड़े सूबे में। माननीय कांचीराम साहब की विचारधारा की उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़कर इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। हम कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। चिंतन करें हम अपनी सोच पर। लेकिन बहुजन एकजुट है नहीं, बीएसपी को बीएसपी वर्सेस बीएसपी चल। बहुजन एकजुट नहीं है, बहुजन किसके साथ है? बहुजन की डेफिनेशन क्या है? हाँ देखिए, हम पता नहीं कितने लोग आते हैं, एक वो भी था ऊपर आसमान नीचे पता नहीं क्या और बीच में पता नहीं क्या, है ना, बहुत सारे लोग आए, 26-36 बम सेफ हो गई। बहन कुमारी मायावती के पीछे कितने सारे लोग लगे, क्या किसी ने बहन जी का कुछ बिगाड़ लिया? नहीं। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं किस देश का मान सम्मान स्वाभिमान क्या है, जो दूसरे के पैरों में लौटते रहते हैं, एक एक दो दो सीट मांगते रहते हैं, है ना, कहां कौन सा वोट बट गया? कोई युवा किसी के साथ नहीं है, कोई भी युवा किसी के साथ नहीं है, इसलिए 50-50, 48-48 वोट आते हैं। अगर न जानकारी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उन विधानसभाओं का आपको बता दूंगा। चंद्रशेखर रावण और बहन जी को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण वोट काटने का काम करते हैं। भाई आपने चार टमाटर लिए सब्जी में डालने के लिए, आप अपने घर ले आए, उसमें से एक सड़ गया, एक आधा सड़ गया, अब आपके घर पर मेहमान आ गए हैं, अब क्या करेंगे आप, उस सड़े को भी डाल देंगे क्या सब्जी में? हाँ या ना में जवाब दें, आपने सवाल तो पूछा, बताइए डालेंगे? जो आधा सड़ गया उसे भी डालेंगे? नहीं, काट के फेंक देंगे ना। तो हर वो विचारधारा जो इस विचारधारा को पीछे ले जाने का काम करता है वो हमारा है ही नहीं, बहुजन समाज समझ चुका है, और वो किसी के साथ नहीं है। और ऐसे ऐसे किसी आदमी का नाम मत लिया करो। चंद्रशेखर भी झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, घासीराम जी की जो आदर्श है उन पर चल रहे हैं, तो आप जिस व्यक्ति को ये अकल नहीं जिसका आप नाम ले रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बसपा के लिए काम किया था, अगर आपको जानकारी हो, ना जानकारी हो तो मैं बता देता हूं, बसपा बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है, बाबा साहब ने इसी विचारधारा के लिए काम किया था, बी फोर बुद्ध, एस फोर साहू और पी फोर फूले, इस विचारधारा के लिए काम किया था, और इसी विचारधारा के लिए माननीय कांचीराम साहब ने काम किया। बहुत सारे नेता थे उस समय बहुजनों के, लेकिन लोगों ने इस देश के अंदर नारा दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, क्योंकि काशीराम ने इसी विचारधारा के लिए काम किया। और जो लोग माननीय कांचीराम साहब का नाम लेते हैं, फूले को जानते नहीं, बुद्ध को जानते नहीं, साहू को जानते नहीं, वो कैसे बहुजन की बात कर सकते हैं और कैसे बहुजनों का भला कर सकते हैं? जिस प्रकार कह रहे
जिस प्रकार आप कह रहे हो कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांतिराम कहेंगे पूरा, उसी समय एक और नारा दिया गया, हाथी नहीं गणेश है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस पे उस समय नारा नहीं दिया था जी। हम देखिए मीडिया के लोग हैं, हमें सही जानकारी होनी चाहिए, हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, हम गुमराह ना हो किसी भी बात से। 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज ने यह बीड़ा उठाया कि हम बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से लाकर रहेंगे, क्योंकि बहन जी ने 3 बार की सरकारों में वो काम किया था। तो ब्राह्मण समाज पूरे तरीके से उनके साथ लग गया और ब्राह्मण समाज ने यह नारा दिया था कि यह हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब उसके पीछे लग गए थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है इस बार तो उसका आखिरी चुनाव होगा, बीएसपी खत्म होगा। देखिए जो लोग ये कह रहे हैं वो सीधे सीधे दूसरी पार्टियों से पैसा लेकर मक्कार लोग हैं, वो बिके हुए लोग हैं, वो पहले भी बसपा के साथ नहीं थे ना बसपा को वोट देते थे। ऐसा कोई आदमी आपकी नजर में आए तो मेरे कैडर में जरूर भेजना, मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। हाँ तभी तो उन्होंने वो पंडितानी अपने घर में ले आए ना, कहने से क्या होता है, किसी मिशन मूवमेंट पर चलने से होता है। कितनी उम्र में शादी की है उन्होंने, मेश्राम जी ने अभी शादी की है ना, कितनी उम्र में शादी की है, कौन से मिशन की बात कर रहे हैं वो। देखिए कथनी मान्यवर कांचीराम साहब, हाँ वही है ना, हमारी समझ में कहीं ना कमी है, हम समझ ही नहीं पाते। अरे सुन लो बात को, बाबा साहब ने हम किसी भी चीज को कोट करते हैं मान्यवर कांचीराम।